तो यहाँ पर अच्छा हमने दाल जो है, मैंने शो स्टार्ट होने से पहले ही, क्योंकि टाइम शॉर्ट था, तो इसलिए हमने चिकन के थाई पीस इस तरह से यहाँ पे रखे हुए थे, और अब मैं ये थाई पीस जो है यहाँ पे, दाल मैंने पहले से ही बॉईल करने के लिए रख दी थी क्योंकि टाइम कम होता और दाल गलने में टाइम ले लेती, ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे बर्नर ऑन करता हूँ, ठीक है, और इसमें हम पानी ऐड कर देते थोड़ा सा और, ठीक है। चने की दाल इसमें बॉइल्ड है तकरीबन, ठीक है, इसमें पानी और ऐड किया हमने। पानी ऐड करने के बाद चिकन हम रखते हैं बैक साइड पे, और ये आ गया इधर, ठीक है जी। फिर इसके अंदर आपने लाल गोल मिर्च, ठीक है, अच्छा लाल गोल मिर्च आप अगेन कितना स्पाइसी खाना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप ऐड करें, और अगर लाइट खाना चाहते हैं मिर्चें तो कम ऐड कीजिएगा, ठीक है जी। फिर इसके बाद इसमें हम साबुत ज़ीरा, ठीक है जी, होल कोरिएंडर, और बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, ठीक है जी, काली मिर्च, नमक हसबे जायका, ठीक है, अदरक के आपने स्लाइसेस काट के इस तरह से आप इसमें ऐड कर दें, और लहसुन के 3-4 जवे इसमें ऐड कर दें, और तेज़ पत्ता अगर है तो आप तेज़ पत्ता इसके अंदर ऐड करें, और उसके बाद आप इसको दे दें बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर फ्लेम, ठीक है जी। और इसको हम कर देते हैं कैप, मैं आपको एक दफ़ा इसको मिक्स करके दिखा देता हूँ कि दाल हमारे पास इसमें बॉइल है, ठीक है जी, इस तरह। अब इस पानी को हमने खुश्क होने के लिए इतना बॉईल करना है कि ये पानी जो है इसका खुश्क हो जाए, तो यहाँ पर आपने इस तरह से पुदीना, हरी मिर्च और इसका मिक्सर रेडी किया, और या गया इस तरफ। यहाँ पर हम इसमें ये ऐड करते हैं, और उसके बाद इसमें आपने ब्रेड के हम 2 स्लाइस ले लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत हैं, और बाकी हम बैक पे रख देते हैं, और इसमें हम बिल्कुल हल्का सा पानी, ठीक है, बस ये हमने पानी इसके अंदर सोक करना है, पानी के अंदर ब्रेड को सोक करके नरम करना है। काफ़ी गर्म है तो मैं इसको थोड़ा मिक्स कर लूँ ताकि ठंडा हो जाए, और उसके बाद हम इसमें ये मिक्सचर ऐड करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये जो ब्रेड हमने सोक की थी पानी के अंदर ये हम इसमें शामिल कर देते हैं, डन। हाफ एंड हाफ करके 2 जगह पे इसको हम ब्लेंड करते हैं, तो यहाँ पर इसको इस तरह से लॉक करके इसको अच्छी तरह से इसका मिक्सचर क्रश करके बनाना है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इस तरह से शामी कबाब बना के जो है फ्लेम पे रख दिए, ठीक है जी, और अब स्लो फ्लेम पे कुक्ड हो रहे हैं, और उसके बाद इसको फाइनलाइज करके प्रेजेंटेशन की तरफ लेके जाएंगे।